हेलो, वेलकम टू केडी क्लासेस। इस वीडियो सीरीज में हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आज हम क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री जो हमारा जो फर्स्ट पेपर है हमारा फर्स्ट पेपर है, उसी के चैप्टर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, इसको जानना आपको जरूरी है। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पर होने वाली है। तो उसको जानने से पहले हम बेसिक चीज़ें हैं जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग मैटर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी क्लास 9 में आप लोग मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। मैटर क्या है? मास ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है, यानी कि एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अगर उसके पास मास है और उसके वो स्थान घेरती है, और हमारे जो पांचों सेंस ऑर्गन है, यानी कि जो पांचों हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन किसी के द्वारा हम अगर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर उसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? मैटर कहते हैं। अब देखिए, जैसे एक जो पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो लाइट है, लाइट तो स्पेस घेरता है, लेकिन क्या वो मैटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास मास नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर के बारे में है, मैटर का नेचर पार्टिकल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कण प्रकृति। क्या बोलते हैं? कण प्रकृति, यानी कि जो हमारा मैटर होता है, यानी कि द्रव्य, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे 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 कणों से मिलकर बना होता है। अब हम बात अगर हम पिछली क्लासेस में देखें, तो कहते हैं ना कि किसी वस्तु की जो संरचना की जो सूक्ष्मतम इकाई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। तो वही जो कण हम बात कर रहे हैं, आप इसको एटम के रूप में भी कह सकते हैं, कि जो छोटे छोटे कण हैं उनको क्या कह सकते हैं? एटम्स। यानी कि एटम्स से मिलकर क्या हमारा बना होता है? मैटर हमारा बना होता है। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन किसके बारे में, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, कि भाई हमारा मैटर कितने प्रकार का हो सकता है, मैटर कितने प्रकार का हो सकता है। तो अब देखिए, हर चीज़ के क्लासिफिकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे अगर नॉर्मल हम बात करें, तो हम क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। तो हम लोग कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे गोरे लोग हैं, लंबे लोग हैं, छोटे लोग हैं, मोटे लोग, पतले लोग। तो ये क्लासीफाई करने का एक अलग अलग तरीका होता है, जैसे मेल, फीमेल, ये भी एक तरीका है क्लासीफाई करने का। तो हम मैटर को अगर क्लासीफाई करें, तो जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है और केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, तो पहले वैसे कि किसमें कर रहे हैं क्लासिफाई? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन है क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन आप ये समझिए कि हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। किसी चीज़ को देख के वो किस तरह से है, वो किस तरह से है, वो हमारा हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा? कोई मैटर है, वो किस प्रकार से किसी और के साथ रिएक्ट करता है, या फिर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है, वो हो गया हमारा क्या हो गया? वो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। बात समझ में आई? फिजिकल क्लासिफिकेशन नहीं कि फिजिकल अपीयरेंस, यानी जो उसका भौतिक स्वरूप है, वो देखने में कैसा है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में, तो उसको हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। अभी तक हम लोगों ने तीन पढ़ा है कि कोई भी चीज़ होती है तो सॉलिड में होती है, या तो लिक्विड में होती है, या फिर गैसीय स्टेट में होती है। लेकिन आज हम लोग दो और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक आपका हो गया प्लाज्मा स्टेट और दूसरा हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, इसको भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले अभी हम लोग इन तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे सॉलिड, देखिए आप लोगों ने देखा होगा सॉलिड में क्या होता है, उनका आकार निश्चित होता है, उनका जो शेप होता है क्या होता है? फिक्स होता है, उनका शेप परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक ईंट है, एक ईंट वहां रखी है, फिर भी वो किस शेप की होगी? घनाकार होगी। घनाभ क्या आकार की होगी? क्यूब, क्यूबॉइड। और हमने उसको उठा के कहीं और रख दिया, फिर भी उसका शेप बदलेगा? नहीं बदलेगा। उसका द्रव्यमान बदलेगा? नहीं बदलेगा।
अब मान लीजिए हमारे पास पानी है, पानी क्या है, एक लीटर पानी है। अगर हम एक लीटर पानी को किसी जग में रखें तो भी एक लीटर रहेगा, किसी बाल्टी में रखें तो भी वो क्या रहेगा, एक ही लीटर रहेगा। लेकिन उसका आयतन तो निश्चित है, उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है, आकार निश्चित नहीं है। जिस बर्तन में रखा गया उसी बर्तन का उसने आकार ले लिया, किसने, लिक्विड ने। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है, न तो उसकी आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन। देखिए इसको थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे मान लीजिए एक आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, एलपीजी सिलेंडर, जिसमें गैस भरी होती है। उसमें देखिए एक छोटे से सिलेंडर में बहुत ढेर सारी गैसें भरी होती हैं। अगर उसकी नॉब को हम खोल दें पूरे रूम में, तो उसके पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल जाती है कि नहीं, आप बताइए। उसका ये वो गैस को जिस बर्तन में रखेंगे उसका सेप तो ले ही लेगा। पहले सिलेंडर में रखे तो सिलेंडर के सेप में था, फिर रूम में छोड़ दिया हमने तो रूम के सेप को उसने ले लिया। अब बताइए, पहले सिलेंडर में थोड़ा आयतन था, लेकिन अब क्या होगा, उसका आयतन पूरे रूम के आयतन के बराबर हो गया ही नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी गैस जो है पूरे रूम में फैल गई। तो गैस का क्या हो गया, न तो आकृति निश्चित है और न ही आयतन। बात समझ में। तो सॉलिड में क्या हो गया, देखें अगर हम बात करें सॉलिड के लिए, बात करें सॉलिड के लिए क्या है, सेप जो है फिक्स है और वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन, सेप मतलब आकार, ये दोनों फिक्स है। लेकिन हम लोग बात करें किसकी, लिक्विड की बात करें, तो जो हमारा सेप है वो तो फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अगर हम बात करें किसकी, गैस की हम बात करें, तो ना तो उसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन। थोड़ी सी गैस है, हमने इसको पूरे रूम में छोड़ दिया तो पूरे रूम में रूम का आयतन ले लेगी। एक छोटे से कंटेनर में, एक छोटे से बर्तन हमने उसको बंद कर दिया, उस छोटे बर्तन में उसका आ जाएगी, यानी कि उसका आयतन निश्चित नहीं है। लेकिन लिक्विड की केस में क्या है, आपका एक लीटर अगर मान लीजिए दूध है तो एक ही लीटर रहेगा, आप चाहे जिस प्रकार के बर्तन में उसको रखें वो एक ही लीटर रहेगा। अब देखिए इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे क्या है वजह क्या है। तो देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो क्या है आपका मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर होता है। क्या होता है, पार्टिकल नेचर, यानी कि छोटे 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 कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्या होता है, जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट जो कण होते हैं वो एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो पास पास होने से क्या होता है, वो एक दूसरे से बंध कर रहते हैं, एक दूसरे से जुड़ कर रहते हैं। उनके बीच जो है जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और उनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है। वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। किसमें, सॉलिड में, किसमें हो, सॉलिड में। अब हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड मान लीजिए अगर ये है, एक यहाँ पे है, मान लीजिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे रैंडमली क्या होंगे, अरेंज रहेंगे। ये क्या हो गया, लिक्विड। तो क्या हो गया, यानी कि जो इनके परमाणुओं के बीच की दूरी है, जिसको लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, उनके बीच की दूरी क्या है, इससे थोड़ा क्या है, ज्यादा है। तो जिनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या है, वो कम है, इसकी तुलना में कम है। अब गैस की बात करें, अगर हम गैस की बात करें, ये तो हो गया हमारे में लिक्विड। अगर हम गैस की बात करें, मान लीजिए ये है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, ये क्या है, बहुत दूरी दूरी पर है, क्या है, बहुत ही दूरी दूरी पर स्थित है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वेरी लो। हम लोग समझिए कि इसको तो मान लेके चलते हैं कि क्या है, लगभग जीरो है। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग जो है जीरो मान के चलते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत, ये बहुत दूरी पर एक दूसरे से रहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गई कि सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट। अब हम इन दो नई चीजों को पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कि प्लाज्मा क्या है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है।
देखिए हम बात करते हैं प्लाज्मा स्टील की। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा होगा, परिसंचरण तंत्र, तो उसमें आप लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा। उसमें जब आप लोग ब्लड के बारे में बात कर रहे होंगे तो ब्लड में क्या होता था, एक प्लाज्मा होता था और उस प्लाज्मा में उसके बाद क्या होते थे, प्लाज्मा होता था उसमें क्या होते थे, आपके प्लेटलेट्स होते थे, आरबीसी होती थी, डब्ल्यूबीसी होती थी, लिम्फोसाइट, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उसी से मिलती जुलती चीज़ें हैं। होता क्या है कि जब हम मान लीजिए कोई हमारे पास कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस हमारे पास, ठीक है, अगर इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर हम दे दिए, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 भाई इतना हमने डिग्री सेल्सियस का तापमान दे दिया या फिर इससे ज़्यादा देते हैं, तो होता क्या है, आपको मालूम है कि जो एटम होता है ये नाभिक होता है, तो उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, तेजी से कंपन होने लगता है, उसमें क्या होता है, तेजी से क्या होने लगता है, उसमें कंपन होता है, जो उसके अणु होते हैं क्या करने लगते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो गर्म करने से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु को छोड़कर बाहर आ जाता है, परमाणु को छोड़कर क्या जाता है, बाहर आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन से, देखिए किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर कैसा आ जाता है, आवेश आ जाता है, धन आवेश। तो प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, जो हमारा प्लाज्मा अवस्था होता है इसमें क्या होते हैं, चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, कैसे रहते हैं, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी रहता है और निगेटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एटम से, मान लीजिए हमारे पास सोडियम था, हमने अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, ये सोडियम पे धन आवेश आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। यानी कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, वह अवस्था होती है कि जिसमें किसी पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म करने पर, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर क्या होता है, वो आयनित हो जाता है, उसमें धन आवेश ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ अवस्था में रहते हैं। इसका अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा सूर्य होता है, सन, जिसका केंद्र में जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है, वहाँ पर प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर धन आवेश भी होता है और ऋण आवेश भी होता है। और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो है प्लाज्मा अवस्था के लिए क्या है, कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो होती है विद्युत की सुचालक, यानी कि क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, वो कंडक्टर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, यानी कि उसमें चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अगर जहाँ पे आवेश उपस्थित होगा तो वहाँ पे विद्युत का चालन आसानी से होगा। तो जो हमारी प्लाज्मा अवस्था होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या हो जाती है, कंडक्टर होती है, यानी कि विद्युत की क्या होती है, सुचालक। अब फिर से हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था कब प्राप्त होती है, जब किसी भी चीज़ को यानी कि किसी भी पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, मतलब कि हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तापमान हो जाता है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा पा करके परमाणु को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो परमाणु को छोड़कर बाहर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, क्या किस स्थिति में हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। उस समय आपके पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ रहते हैं, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सन, जो सन है वो किस स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ये हो गया हमारा प्लाज्मा स्टेट। अब हमारा अगला आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये अगर हम बात करें बोस की, तो ये एक साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एसएन बोस। कौन थे, एसएन बोस, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने 1920 में एक कैलकुलेशन किया, ठीक है, उस कैलकुलेशन की बेसिस पर जो आइंस्टाइन थे उन्होंने एक स्टेट की गणना की, एक नई अवस्था के बारे में उन्होंने बताया, एक गणना की नई अवस्था के बारे में, जिसे कहा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यानी कि डॉक्टर एसएन बोस ने एक कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन के आधार पर
आइंस्टाइन ने एक नई अवस्था के बारे में बताया कि एक ऐसी भी एक नई अवस्था हो सकती है, उस अवस्था को कहा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखिए इसमें होता क्या है, होता क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सामान्य रूप से हवा होती है उससे बहुत हल्की हवा, यानी कि बहुत कम घनत्व वाली हवा, यानी कि ऐसी हवा जिसका घनत्व जो है सामान्य हवा के घनत्व का लगभग एक लाखवां भाग हो, यानी कि जो सामान्य हवा का घनत्व उसमें एक लाख से हम लोग भाग दे दें, तो उस घनत्व वाली अगर हमारे पास एयर है उसको हम लोग बहुत ही न्यूनतम टेम्परेचर पर ले जाएं, बहुत ही ठंडा करें, तो हमें एक अवस्था प्राप्त होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट समझ आएगा ना, कंडेंस होना, तो एयर है जब उसको हम लोग कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंडेंस हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या है, इसमें हम एयर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, वो कंडेंस हो जा रहा है, संघनित हो जा रहा है, तो उस स्टेट हम लोग क्या कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस किसके लिए यूज किया जाता है, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस, और आइंस्टाइन जानते हैं आप लोग, आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा। तो 1920 में एस एन बोस ने एक कैलकुलेशन की, उसके बेसिस पे जो है इन्होंने आइंस्टाइन ने इस अवस्था को बताया। उसके बाद सन 2001 में अमेरिका के तीन साइंटिस्ट थे सन 2001 में अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों ने मिल करके इस अवस्था को प्राप्त किया। यानी कि एस एन बोस ने कैलकुलेशन किया, आइंस्टाइन ने उसके बारे में बताया, उसके बाद तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर इस अवस्था को बना लिया, प्राप्त कर लिया, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये आपकी पांच अवस्थाएं हो गई, किसकी, द्रव्य की। कितनी अवस्थाएं हो गई, पांच। अभी तक हम लोग तीन अवस्था के बारे में जानते हैं, अब हम इन दोनों अवस्थाओं को और ऐड करेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। चलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा हो गया, अब हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने क्या कहा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहेंगे, उसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफाई किया जाएगा। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रासायनिक वर्गीकरण, उसके आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, किसके भागों में, दो। पहले कहा गया मिक्सर और प्योर सब्सटेंस, मिक्सर मतलब मिश्रण, और प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब देखिए पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे, बाद में मिक्सर के बारे में बात करेंगे। प्योर शुद्ध पदार्थ, अब देखिए शुद्ध पदार्थ आप समझिए कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कि ऐसा पदार्थ हो जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की चीज हो, उसमें कोई और से चीजें अलग से मिलाई न गई हो, यही बात है कि नहीं, ये प्योर सब्सटेंस होता है। यही हो सकता है कि वो प्योर है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, यानी कि उसमें कोई अलग चीजें उसमें नहीं मिक्स है। तो हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है कि सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग करके दो अलग तरीके के पदार्थों को नहीं प्राप्त किया जा सकता,
जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिए फिजिकल प्रोसेस में समझ रहे हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेस समझिए क्या है। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को सेपरेट करना, जैसे मान लीजिए उसको बॉयल करना, ठीक है, उसको बॉयल करना, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना, या फिर जो है किसी चीज़ को छांटना, चालना, ये जो जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं उनको हम किसी फिजिकल प्रोसेस द्वारा दो अलग तरीकों के डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। अलग तरीकों में क्या बोलते हैं उसको, कि किसी फिजिकल प्रोसेस द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में हम लोग उसको बांट नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हम बात करें जल की, किसी बात करें जल की, आप देखिए हम इसमें क्या, हमारे पास जल है, अगर हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इसको थोड़ा सा करेंगे, तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, जल ही मिलेगा कि कुछ और मिलेगा, जल मिलेगा। फिजिकल प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, हम केमिकल प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, जल ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जैसे हमारे पास हो गया, मान लीजिए हो गया कार्बन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया ग्लूकोज, हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस, यानी कि इसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, दो पृथक पृथक यानी कि दो डिफरेंट सब्सटेंस के रूप में इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को जो है दो भागों में डिफाइन किया गया, शुद्ध पदार्थों को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया। पहला पार्ट क्या था, कहा गया एलिमेंट्स, और दूसरे को क्या कहा गया, कंपाउंड्स। क्या कहा गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब ध्यान से सुनिएगा, एलिमेंट है क्या, एलिमेंट्स क्या है, कि ऐसे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स सच प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, टू आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाई एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। यानी कि क्या कर रहे हैं, कि ऐसे शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ हम पहले ही कह दे रहे हैं, कि ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसको किसी केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस तो समझिए, केमिकल प्रोसेस मतलब कि हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, उसका रिएक्शन किसी और चीज़ से करवाएं, या फिर हम उसको मान लीजिए विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस है। तो उसको दो अलग प्रकार की चीज़ों में विघटित नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए है ग्रेफाइट, हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट हमें मालूम है क्या है, कार्बन का एलोट्रोप्स है, कार्बन का अपर रूप है। तो क्या जब हम ग्रेफाइट को सेपरेट करेंगे किसी भी तरीके से, हमको तो कार्बन ही मिलेगा ना, कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, अगर सल्फर नाइट्रोजन ऐसा कुछ तो मिल जाएगा, हमको मिलेगा कार्बन ही। यानी कि चाहे हम इसको मान लीजिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, या फिर हम इसको किसी तरह का कंबस्शन कर दें, विघटन कर दें, हमको मिलेगा कार्बन ही। तो हुआ क्या कि एलिमेंट्स जो हैं उसको हम किसी भी प्रोसेस द्वारा दो डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो दो चीज़ें मिलेंगी, वो क्या होंगी, सेम ही होंगी। समझ में बात, यानी कि ये अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स आर मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि जो एलिमेंट है हमारे, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं। उसमें जो एटम होते हैं सभी एटम क्या होते हैं, सेम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, लोहे का
टुकड़ा है। अब बताइए अगर हम उस लोहे के टुकड़े मारिए हम पिघला देते हैं या फिर कुछ किसी तरह से उसके छोटे 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 भागों में उसको हम लोग अलग कर देते हैं, तो क्या अल्टीमेटली जो हमको मिलेगा वो आयरन ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको जो मिलेगा वो हमको आयरन ही मिलने वाला है कि नहीं? हमें तो ऐसा है नहीं कोई और आइटम मिल जाएगा, बस भाई। तो ये हो गया क्या एलिमेंट। और जो एलिमेंट होते हैं जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? फिक्स होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? थ्रू आउट क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। जैसे आयरन का हम एक छोटा सा पार्ट लें और चाहे एक बड़ा सा पार्ट लें, क्या दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे? नहीं शो करेंगे भाई। वो भी आयरन मैग्नेट की तरफ जाएगा, ये भी आयरन मैग्नेट की तरफ जाएगा। अगर उस आयरन को हम मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्शन करवाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप लोगों ने हाई स्कूल में एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा होगा। चाहे हम आयरन का छोटा सा टुकड़ा लें चाहे बड़ा सा टुकड़ा लें, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा। यानी कि दोनों एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि नहीं? तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। एलिमेंट्स को सिंपली हम कहें कि वो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग तत्वों में, अलग अलग परमाणुओं में या फिर अलग अलग पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं, बात समझ आई? और जो इसका जिसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। क्या रहती है? वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। किसकी? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स होंगे कि सेम टाइप ऑफ एटम, कार्बन है तो उसमें सिर्फ कार्बन के ही परमाणु हैं, आपका आयरन है उसमें आयरन के ही परमाणु है और किसी अन्य प्रकार के परमाणु नहीं है। तो क्या हो गया? ये हमारे एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बात करें, अब कंपाउंड्स में होता क्या है? जब हम When two or more elements, two or more elements क्या होते हैं? Combine करते हैं। क्या करते हैं? Combine करते हैं एक fixed ratio में, एक क्या कहते हैं? एक certain ratio में क्या कहते हैं? एक दूसरे से combine करते हैं तो जो हमको पदार्थ मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Compound बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? Compound। जैसे इसका एक simple सा example माना क्या है? जल। क्या है? जल। जल में क्या है? देखिए हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? जल। देखिए फिक्स रेशियो है कि नहीं? हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक, यानी इनका 2:1 का अनुपात है। यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। अब कंपाउंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स में जो है, जो जिन एलिमेंट्स से ये मिलकर के बने होते हैं, जिन एलिमेंट्स से ये मिलकर के बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से ये एकदम डिफरेंट होते हैं। यानी कि ये उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। लेकिन एलिमेंट क्या है? आयरन से मिलकर बना है तो आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन क्या है कंपाउंड्स में? क्या है? देखिए हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस जो क्या है? ये जलने में जलती है। हाइड्रोजन गैस क्या है? जलती है। हाइड्रोजन गैस हम जलाएंगे क्या हो जाएगी? वो जलेगी। और जो ऑक्सीजन है क्या होती है? वो जलाने में सहायक होती है कि नहीं? यानी कि हाइड्रोजन गैस आपकी जलती है और ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने में सहायक होती है, यानी कि जलाने में हेल्प करती है। लेकिन जो जल बनेगा वाटर क्या होगा? वो आपको बुझाता है कि नहीं? फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। तो जल ने ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को शो किया और ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को शो किया। यानी कि जब हमारे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के एक पर्टिकुलर यानी कि एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कंपाउंड्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि कंपाउंड जो है इसको फिजिकल प्रोसेस द्वारा दो अलग अलग पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब कि दो अलग अलग पदार्थों के रूप में पाए। लेकिन इसको केमिकल प्रोसेस द्वारा हम इसको अलग अलग एलिमेंट्स में सेपरेट
कर सकते हैं। किसके द्वारा? केमिकल प्रोसेस द्वारा। केमिकल प्रोसेस द्वारा जो है, केमिकल प्रोसेस द्वारा कंपाउंड्स को, जैसे मान लीजिए हमारा एक कंपाउंड ए बी है, इसको हम लोग केमिकल प्रोसेस द्वारा तोड़ दिया ए और बी के रूप में। किसके रूप में? ए और बी में। ये ए और बी से मिलकर बना था, फिर हमने इसको तोड़ दिया ए और बी के रूप में। किस प्रोसेस द्वारा? केमिकल प्रोसेस द्वारा। लेकिन इसको फिजिकल प्रोसेस द्वारा नहीं कर सकते। और एलिमेंट्स में क्या होगा? एलिमेंट में क्या होगा, मान लीजिए ये ए ए मिलकर बना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल एलिमेंट के केस में क्या होगा, चाहे आप केमिकल प्रोसेस अप्लाई करें या फिर फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करें, उसको हम आप अलग अलग पदार्थों में तोड़ नहीं सकते। उसको आप अलग अलग पदार्थों में तोड़ नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। चलिए हमारा कंपाउंड वाला सेक्शन हो गया। अब देखते हैं कंपाउंड्स की बात करें तो नॉर्मली जो है, हम अगर टाइप्स ऑफ कंपाउंड बात करें कि हम कितने प्रकार के कंपाउंड जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम दो तरह के कंपाउंड्स को लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। हमारा पहला है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए नाम से है, देखिए कार्बनिक अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक में यानी कि कार्बन होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि और कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स विच डोंट हैव कार्बन प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो है जिसमें कार्बन अवेलेबल ना हो, कार्बन प्रेजेंट ना हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कुछ जो होते हैं जैसे आपके जो कार्बोनेट्स होते हैं, क्या होते हैं कार्बोनेट, जैसे Na2CO3 बाइकार्बोनेट, NaHCO3 साइनाइड्स, जैसे हमारा हो गया सोडियम साइनाइड Na, देखिए इसमें कार्बन अवेलेबल है, क्या है कि कार्बन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इनऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ये आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन समझिए कि क्या है कि जो बेसिकली होते क्या है, जो हमारे कार्बोनेट्स बाई कार्बोनेट है, साइनाइड्स होते हैं, इसको लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से। क्या किसे प्राप्त करते हैं हम लोग, नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे ये मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि खनिज रूप में अर्थकर्ष से हम लोग को मिलते हैं, इसीलिए क्या होते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपको एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ सभी कंपाउंड्स, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन के सभी यौगिक, सिर्फ कार्बोनेट बाई कार्बोनेट्स को छोड़ करके और साइनाइड्स के लवणों को छोड़ करके बाकी किस किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मतलब नहीं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो इसमें कार्बन आपका अवेलेबल है वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। बस बस सकते क्या आपके वो, जैसे आपके कार्बोनेट्स हों, कार्बोनेट्स ना हो, बाई कार्बोनेट्स ना हो, और साइनाइड के साल्ट ना हो, साइनाइड के साल्ट ना हो, बात समझ में। वो किस में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में आते हैं। तो ये हमारा हो गया, कंपाउंड वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर जो है हमारा कंपाउंड का जस्ट अपोजिट है। मिक्सचर क्या है, कंपाउंड का जस्ट अपोजिट। मिक्सचर क्या होता है, किसी भी रेशियो में दो एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दो एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, किसी भी रेशियो में, पर्टिकुलर किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया आपका, मिक्सचर बन गया। एलिमेंट्स कराए यानी कि यहाँ पे आप
सबस्टेंस भी कर सकते हैं कि दो सबस्टेंसेस को हमने किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, वो हमारा मिक्सर बन गया। इसका आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, मिक्सर का सिंपल एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा जो होता है हमारा वाटर प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि जिसमें लोग क्या बोलते हैं शरबत सिरप, ये क्या है आपका मिक्सर है। हमने क्या लिया, सैंड लिया, साल्ट लिया, जिसको हमने क्या कर दिया हमने मिक्स कर दिया, ये भी क्या है आपका मिक्सर ही नहीं। अब एक ही आप लोगों ने देखा होगा जो एलॉय होती है, क्या होती है एलॉय, एलॉय मतलब कि मिश्र धातु। मिश्र धातु होता क्या है कि हम अलग अलग मेटल्स को लेकर के उसको क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स लेकर उसको हम लोग क्या करते हैं मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं मिश्रण करते हैं, क्या करते हैं हम लोग मिश्र करते हैं, बस समझ में। यानी कि किसी को इसके लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि क्या है, किसी भी अनुपात में उसको मिला दिया वो क्या हो गया मिश्रण हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट, दूसरी भी बात इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने कंपाउंड में क्या कहा था कि देखिए हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ H2O, लेकिन न उसने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होगी न उसने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन मान लीजिए जब आपने वाटर और शुगर दोनों को मिलाया तो जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो क्या उसमें वाटर की प्रॉपर्टी और शुगर की प्रॉपर्टी आएगी, नहीं आपको मीठा लगेगा कि नहीं, यानी कि आपको पता चल जाएगा इसमें जल है, इसमें वाटर है, उसमें शुगर है। अगर आप उसमें सॉल्ट मिला देते तो आपको वो भी पता चल जाएगा इसमें सॉल्ट भी है। तो जो मिश्रण के अवयव होते हैं यानी कि जो मिश्रण के कंपोनेंट्स होते हैं, अवयव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो अपनी जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं मिश्रण के अंदर, यानी कि जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको भी वो क्या करते हैं दर्शाते हैं। लेकिन यौगिक क्या है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी दर्शाते नहीं है, और मिश्रण क्या करते हैं वो खुद की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं। अगर हम लोग मिश्रण की बारे में बात करें मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मिश्रण दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि इसको बोलते हैं सामांगी, सामांगी और ये विषमांगी। देखिए समांग विषम अंग, यानी कि जैसे आपने मान लिया वाटर में शुगर को मिलाया, हमने उसको थ्रोट स्टर कर दिया पूरा मिला दिया, अब आपको कहीं चीनी दिखाई देगा उसमें नहीं दिखाई देगा, तो ऐसा सोल्यूशन क्या होता है वो अब आपको सिर्फ और सिर्फ वाटर फेम दिख रहा है, यानी कि आपको सिर्फ द्रव की अवस्था में दिख रहा है नहीं, तो जो ऐसा मिश्रण होता है वो क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण होगा, यानी कि वो यूनिफॉर्म एक समान रूप से फैला, एक समान रूप से उसका वितरण होता है, यानी एक समान रूप से वो क्या होते हैं मिले रहते हैं, तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया बालू लिया सैंड, उसके अंदर आपने शुगर मिला दिया, तो क्या आपको दिखेगा नहीं कि उसमें सैंड भी है और शुगर भी है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, बात समझ में। ये हो गया आपका क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सर यानी कि विषमांगी मिश्रण। जैसे गेहूं हो गया चावल, उसके अंदर कंकड़ वगैरह पत्थर धूल मिट्टी सब मिली होती है, इन सब को हम लोग क्या करते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कैसा मिश्रण कहते हैं हम लोग विषमांगी। जैसे हम लोग बात करें दूध की, तो दूध किस चीज़ का एग्जांपल है, दूध भी क्या है मिक्सर है, दूध क्या है मिक्सर है, कैसा मिक्सर है होमोजीनियस मिक्सर है, कैसा मिक्सर है होमोजीनियस मिक्सर है, क्या हमारा मिल्क। तो होमोजीनियस मिक्सर में क्या होता है कि उसमें एक ही अवस्था आपको दिखाई देगी, एक ही अवस्था दिखाई देगी, जैसे आपने पानी के अंदर चीनी को घोला तो आपको जल ही दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नमक घोला जल ही दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो एक ही अवस्था दिख रही है। जैसे आपने क्या किया पीतल, आपने देखा है पीतल, पीतल को हम पीतल क्या एक मिश्र धातु है, क्या उसमें धातुएं अलग अलग दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हमने उसको समान रूप से समांग वो क्या है जो हमारा मिश्र धातु है वो क्या है समांगी मिश्रण है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बात समझ में। ये हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर और ये क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बात समझ में। चलिए एक छूट गया, एक चीज छूट गई पीछे बताना, हम उसको बताते हैं हम लोगों को कंपाउंड्स में। एक कंपाउंड्स के एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, एक हम बोलते हैं लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक, इसका नाम हिंदी में भी स्टोकियोमेट्रिक ही है, और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। देखिए है क्या इसे नाम ही हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है
जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन है वो फिक्स है, जैसे मान लीजिए H2O हो गया, NH3 हो गया, O2 हो गया, देखिए ये फिक्स है। लेकिन ये कुछ कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे, देखिए जैसे Fe 0.98 O, Copper 1.7 S, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक। क्या होते हैं नॉन स्टॉक? देखिए ये एक सिंपल रेशियो में है, दो ये है एक ये है तीन, इधर देखिए क्या है Fe 0.98 है और इसमें क्या है Copper 1.7 है। तो जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा वास्प और गैस, यानी कि वेपर एंड गैस। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, वेपर में और गैस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बहुत माइन्यूट है कि हम ऐसे सबस्टेंस जो सामान्य अवस्था में रूम तक कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जब लोग उनको बॉयल करते हैं, जब वो गैसीय अवस्था में आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प। क्या होते हैं वाष्प, जैसे हम लोग जब जल को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, जल वाष्प बनता है। हम लोग ये नहीं कहते गैस बन रहा है, हम लोग क्या होते हैं, जल वाष्प बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प यानी कि वेपर। देखिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सामान्य ताप पर भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली गैस बोलते हैं। यानी जैसे माला हो गया क्या, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या होते हैं सामान्य अवस्था में लिक्विड में होते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होते हैं, वेपराइज होते रहते नहीं, वाष्पीकृत होते रहे नहीं। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं उनकी गैसीय अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में ही गैसीय स्थिति में रहते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। असल में तो यहाँ पे हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन पूरा हो गया। अब हम लोग जो है मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है और उन प्रॉपर्टीज का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, उन प्रॉपर्टीज का क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका हम लोग मापन कैसे करेंगे। थैंक यू।